नुसरत जावेद साहब, पता नहीं कितनी देर बाद मेरे प्रोग्राम में जो है वो तशरीफ लाए हैं। ग्लैड टू हैव यू नुसरत साहब, एंड आई होप दैट यू विल कीप ऑन कमिंग। अगर मुल्क में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, मुल्क दिवालिये की दिहाने पे जो है वो जा सकता है, तो क्या आर्मी चीफ को एज अ बाईस्टैंडर खड़े रहना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ उनका रोल नहीं होना चाहिए? नौर साहबा, मेरा मसला ये है कि उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और मेमोरी अभी तक जान नहीं छोड़ रहा। ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं है ना आर्मी चीफ ने कॉल किया। 1951 में जो पाकिस्तान को, जब हम सीटो सेंटो और IMF और वर्ल्ड बैंक में गए थे, तो उसका मेन प्लेयर कौन था? अगर आप भूल गई हैं तो मैं बताता हूँ, पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ जिनका नाम जनरल अयूब खान था, जिसको हम आज भी अपनी मुताला पाकिस्तान नामी किताबों में सुनहरी दौर के तौर पर पेश करते हैं। उसके बाद जब अफगानिस्तान पे रूस ने कब्जा किया, तो वहाँ इस्लाम को नाफिज करने, अब उस मुल्क को आज़ाद करवाने और हमारी जो 11 साल तक रौनक लगी रही, तो वो किसकी क़यादत पे, कौन मुजाहिद मिल्लत थे? जनरल ज़ियाउल हक साहब। वो कुछ सिविलियन तो नहीं थे ना, माशाल्लाह। इसी तरह उसके बाद जब ये पता चला कि ओहो, ये जो मुजाहिद थे ये तो अब दहशतगर्द हो गए, तो इन्हें अब ठीक करना है, तो फिर वॉर ऑन टेरर वो किसने चलाई? जनरल मुशर्रफ साहब ने। और इसके अलावा जो गुफ्तगू, जो यानी कियानी साहब अपने 6 सालों में रोल अदा करते रहे, और अभी जो हुकूमत गई है, तो इनके लिए भी जाके जो हमारे पंजाबी में गाना था ना, चलांगी पखियां, तो ये यानी बाजवा साहब भी जाके सऊदी अरब में भूल गए शायद उनकी उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। ये जो है, मैं इस बात को, अगर पाकिस्तान के हालात इतने ही मख्तूश हैं, तो उसमें अगर आर्मी चीफ का फोन मदद कर सकता है तो व्हाई नॉट। इसमें जो इमरान साहब जो एक थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं कि फर्ज करें कि अगर कहीं रुकावट आ रही थी तो आर्मी चीफ साहब की वजह से वो रुकावट दूर हो गई, तो साथ ही ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि इसके बदले क्या दिया है, फिर ये वापस जाएंगे एब्सोल्युटली नॉट पे, तो मुझे और आपको अगर रिलीफ मिलेगी उसकी वजह से, तो फिर कहा जाएगा कि दिया क्या है, तो फिर आ जाएगा कि वही जी जिस पे मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो इस फोन के बाद साकी ने कुछ मिला ना दिया और शराब में, तो लिहाजा हमारे भले की ये भी नहीं सोच रहे, ये बताओ। अर्ली इलेक्शन हो या अपने टाइम पे इलेक्शन हो, हम ये एक जुमला ना सुन सुन के थक गए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंटरट्वाइंडर है भी, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट पॉइंट ये है कि इस वक्त जिस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, मतलब एक पॉलिटिकल सर्कस लगी हुई है ना, एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा आ रहा है, पहला आ रहा है, इससे आप समझते हैं कि कोई चीजें बेहतर होंगी? इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं, डिबेट रोज हम करते हैं, क्या चीजें बेहतर होंगी? उसमें ये है भैया कि मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो बेचारा फरसूदा यानी पुराने दौर का, मुझे अब ये बताया जा रहा है, जो हमारे यंग साथी हैं, इज्जत और एहतराम बहुत करते हैं, ओटी यंग है आपकी तरह नहीं, ये अच्छा, ये इतना यंग नहीं, इतना यंग नहीं। तो वो कहते हैं कि साहब, मतलब के अच्छा, वो अंग्रेजी बहुत अच्छी लिखते हैं, वो बताते हैं कि एक तो यूथ बल्ज, तो एक तो यूथ बल्ज हो गया है, और उसने जो एनर्जी दी है, इट हैज चेंज्ड पाकिस्तान। अब इलेक्शंस हो तो इमरान खान साहब जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से लौट आए, ठीक है, और वो कहते हैं मुझे कि नुसरत साहब पहली मर्तबा पंजाब से इदारों के खिलाफ आवाज उठ। मैंने उन्हें कहा कि यार ये मियां इफ्तिहारुद्दीन का नाम पता है? कोई एक शख्स होता था, बागवानपुरे के अराइन थे, उन्होंने प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड बनाई थी, पाकिस्तान टाइम्स, इमरोज और अफरोजा लैलुल नहार, पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर थे फैज अहमद फैज साहब, और मौलाना चराग हसन असरत से इमरोज के, और सैयद सिप्त हसन, ये इसका मजर के लेफ्ट के, वो ये माशाल्लाह बाय फाउंडिंग मेंबर कम्युनिस्ट पार्टी, तो इनके यानी के अजदाद में समझो शामिल थे सिप्त हसन साहब। तो लेकिन अब बताया जा रहा है कि अच्छा, हबीब जालिब जो है वो क्या यानी तुर्बत की गलियों में घूमता था? सर यार, अच्छा, और जो कोड़े लगे थे सहाफियों को वो कहाँ लगे थे? और उस वक्त हमारे बहुत सीनियर होते थे मसूदुल्लाह खान साहब, तो उनकी टांग बचपन से वो माजूर हो चुकी थी, तो डॉक्टर्स ने कहा इन्हें कोड़े, वो लड़ते रहे, झगड़ते रहे मसूदुल्लाह खान। लेकिन आज मुझे बताया जा रहा है नुसा आपकी जो नस्ल थी, तो मैंने गुस्से में आके अब मैं ये कहता हूँ कि यार काश के मैं अर्नेस्ट मैंगने जैसा होता, तो मेरी उम्र का आदमी जो यहाँ कनपट्टी में रख के गोली मार लेता अपने आप को। देखिए
आप जो बात करते हैं ना, ये जो सारी एनर्जी है, तो इसको ट्रांसलेट करना होता है ना पॉलिटिकल, उसमें पॉलिटिकल सही है। आप मुझे बताएं कि हाउ विल यू गेट इलेक्शंस। अच्छा, ये जो यूथ बल्ब जो है, ये फिलिपीन में नहीं है, बर्मा में नहीं है, बर्मा के हालात देखें आजकल। अच्छा, फिर वो माशाल्लाह ये जो ट्विटर की वजह से जो अरब बहार शुरू हुई थी, अंजाम उसका क्या है, असीसी इजिप्ट में। मुझे ये बताएं यहाँ पे क्वालिटेटिव डिफरेंस क्या है। लेकिन मैं इसकी अवैस की बात से एग्री करता हूँ। खान साहब को पता है कि उनके पास मौका यही है कि अक्टूबर में इलेक्शन लो। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ जात का, लेकिन रिपोर्टर हूँ, गो हाथ को जुम्बिश नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 12, 11 नहीं कह रहा हूँ, 13 नहीं कह रहा हूँ, 12 मेंबर नेशनल असेंबली वो तहरीक इंसाफ के साथ उसी तरह रابطے में है जैसे गुज़श्ता बरस मार्च में यूसर रजा गिलानी के नमूदार होने से पहले मुस्लिम लीग के साथ गुफ्तगु हो रही। इसीलिए वो फिगर जो है वो 11-12 का चल रहा है वहाँ पे बाय इलेक्शन वाला। बीबी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि 11 नहीं, मुझे उनके नाम भी पता है। या तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपने आईबी चीफ को सैक करें तो मैं उन्हें नाम भी बता देता हूँ, या को लिफाफे मैं कह रही हूँ कि नहीं, सीधी सी बात है, या को लिफाफे दो या आईबी चीफ को सैक करो तो मैं अभी नाम बता देता हूँ। मैंने कब का आप नाम बताया, मैं तो ये कह रही हूँ 11 और 12 में थोड़ी जरा मुताबिकत थोड़ी सी मैं वो कह रही हूँ कि क्या वो कुछ इसलिए नंबर, क्योंकि ये सवाल हो रहा है ना कि 11 क्यों, आप कह रहे 12। आपके पास देखें, आप इस बात को पसंद करें या ना करें, खान साहब इस वक्त अपनी मकबूलियत के अरूज पर हैं। हल्के खुदा की अक्सरियत ये समझती है कि अप्रैल तक तो यार सब कुछ ठीक सी, जब से ये आई भानुमती का कुंभा दिखती गवर्नमेंट, तो यार ऐसी नहुसत आई है, गुर्बत आई है, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। अब उस सूरत हाल को अपने हाथ से क्यों जाने देंगे। दूसरी एक बात, मैं जरा यानी मदर से हाथ बांधते हुए मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, खुदा के लिए ये मत समझो मजर के पंजाब इमरान खान के पास चला गया, ये परवेज इलाही के पास गया है। जट दे घर आई होवे ना, मझ ते वापस नहीं जाती, बस जाट के घर आ गया। तो जरा इंतजार करें, ये दो धारी तलवार होगी, मुस्लिम लीगी तो वैसे ही मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, और दूसरी तरफ भी अभी तो कुर्सी पे बिठा रहे हैं, ये स्टेबिलिटी नहीं आने लगी। ब्रेक में बड़ा टटोलने की कोशिश की नुसरत साहब को हमने, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं वो ही कॉल या लिफाफा आएगा तो कुछ करूंगा। हमें बचपन में सुनाया जाता था, तोतिया मन मोतिया तू होश कलीना जा, तो वहाँ के लोग बड़े जालिम होते हैं, ये वो, ये बहुत ही शुरू से यानी कि नफीस रहे हैं जवानी में भी, यानी मेरे जैसे बेहुदा नहीं रहे, नहीं रहे। ये कह रहे हैं वो मुस्लिम लीग नहीं बचाना चाह रहे, उन्होंने एक लेगेसी बनाई हुई है, वो लेगेसी वो मरियम बीबी के हवाले करना चाहते हैं। अब जो इलेक्शन हुआ है जिसमें लाहौर से जो आप सीटें 3 हारे हैं, उससे वो लेगेसी भी खतरे में पड़ गई। शहबाज शरीफ नहीं कर पाएगा, हम नवाज शरीफ आएगा और वो नून लीग को बचाएगा। दोस्तों आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं आपकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये रावलपिंडी से उभरे जिन बुकराते असर का आपने जिक्र किया है ना, तो ये जिनका करंतीना में जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके हवाले से आपको ये खबर भी दे रहा हूँ कि करंतीना वाले बिल्कुल रजामंद नहीं हुए, क्यों होंगे? और जहाँ पे नए इंतखाबात की बात है तो वो कह रहे हैं कि मर वेसू सिंड ना देसू, ठीक है जी, है भैया, सही बात। एक बात, दूसरी बात ये है कि 17 जुलाई का जब फैसला आया था तो सुबह सब हिम्मत हिम्मत हार गए थे, इनको पीपल्स पार्टी के लोग मिले, उन्होंने कहा जनाब हमने 3 मरतबा हुकूमतों में रहे हैं, 88 में, 1993 में और 2008 में, और 3 मरतबा हमें पंजाब नहीं था, हालांकि उनको खराब करने वाले यही थे, अमित शाह भी। तो उन्होंने कहा जी आपको क्या हुआ है, क्यों हाथ पांव फूल गए हैं, ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, मैं नाम बता सकता हूँ जिन लोगों ने ये बात सही 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 लिफाफे के बगैर दिस टाइम नहीं, वो चूंकि वो तो गुजरा है और उनका और उनको उनको लिफाफे देने की आदत नहीं है, आसिफ साहब से ताल्लुकात अच्छे हों तो प्लॉट देते हैं, मेरे थे लेकिन मिला नहीं। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ये एक बात है, दूसरी बात ये है कि
मज़र जिस तरह ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यस खान साहब को बहला फुसला कर ये परसुएट किया जा सकता है कि सानिया निश्तर साहिबा के जरिए एहसास कुछ हो जाए, फिर शहर कार्ड हो जाए, ये वो इधर उधर, तो ये बहलाना फुसलाना जो है लॉन्ग टर्म में चौधरी परवेज राय को सूट करता है मेरी दानिश में। लेकिन अगर फर्ज करें कि वो उस पर भी आमादा हो जाएं, तो जिनका घर लुट रहा है यानी जिनके हाथ से पंजाब जा रहा है वो कह देंगे कि नहीं जी हम तो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं चाहे हमें 10 सीटें मिलें। सो इसलिए सबात एक तगैयर को है जमाने में, ये जो हुकूमत है ना ये टहनी पे शजर की तरह बुलबुल है कोई उदास बैठा, उस बुलबुल का नाम है शहबाज शरीफ, ही कैन एनी टाइम रन अवे। नुसरत साहब तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना जब से नहीं सर मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ सर, आप शहबाज शरीफ जो है ना मतलब आपने अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जब से वजीर आजम बने उनको माना ही नहीं, आपको पहले ही पता था कि इन्होंने यही करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेयर ऑफ इस्लामाबाद बने ना। आपको लगता है कि जो ये केस है ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है या फिर एवरीवन्स गॉट स्केलेटन्स इन देयर क्लोज़र तो कोई आगे परस्यू उसको नहीं करेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए महसूस हो रहा है, ये मेरी खबर नहीं, ऐसे ये नहीं कि हंच नहीं होता जी जी, कि गालिबन कोई नीदर है नॉर देयर कसम का कोई एक फैसला आ जाए और वो करीब करीब आए, उसके बाद फिर 7 सितंबर को इंडाइट भी हो जाए हमजा और उनके वालिद, तो बराबर हो जाएगा ना। शहर जाना में आप बासफा कौन है, ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें। लेकिन जो बुनियादी बात जिस पे हम अभी भी गौर करने को सारे तैयार नहीं है, मैं मजहर की एक बात से बिल्कुल, सबसे पहली तो बात यह है कि बखुदा अपने आप से शर्मिंदगी महसूस होती है कि इस वक्त आपके इंट्रो के मुताबिक हमारे मुल्क में जो क़यामत है सैलाब ने जो मचाई हुई हम उसका जिक्र नहीं कर पा रहे हैं और हमें वो चस्का फरोशी करना पड़ रही है। लेट्स बी ऑनेस्ट, वो उसी सर्कस को हम डिस्कस कर रहे हैं, बस जाहिर है क्या करें, लोग भी देखते हैं क्योंकि बलोचिस्तान वार्ड आप देखे ना यूं करके आता है ना, जब खान साहब जब वो खिताब करते हैं तो दिखाते हैं कराची में यूं हजूम, लाहौर में यूं हजूम, पेशावर में ये कोई अच्छा किसी दिन ये नहीं नजर आएगा कि तुर्बत में भी ये लोग देख रहे हैं, ये गवादर में भी लोग देख रहे हैं, ये हमारा इस तरह हमने अबैंडन किया हुआ है। लेकिन असल ओरिजिनल बात पे आए, सवाल ये है कि इस हुकूमत को बार बार कहा जा रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत, तो ये कैसे एजेंट हैं कि उनको 2 पैसे नहीं दे रहा अमेरिका, ये तो अभी तक ये सेल नहीं कर पाए। यूसी उसके मुकाबले में कितनी रौनक थी आमद कारजई की, माशाल्लाह सूटकेस भरे हुए होते थे, ठीक है ना, डॉलरों से। दूसरी बात ये है जो अवैस आपसे बात कर रहे हैं, खुदा के लिए पाकिस्तान के लोगों को ये समझाने की कोशिश करें, इशू विद पाकिस्तान इज नॉट इमरान खान नीदर शहबाज शरीफ, इशू इज अफगानिस्तान। अभी इस वक्त ये जो पंजाब में जब ये था कि बिल्कुल इंतशार का आलम था, आपको पता है कि आपकी जो पोल्ट्री है अफगान डॉलर्स में पे करके ले जाते रहे हैं उठाते रहे हैं, आपका इस वक्त कराची में $5 अरब जो है वो लोगों ने जखीरा अंदोजी की हुई है, जिनमें से कितना पोर्शन वहां जा रहा है, मैं तो धंधे का बंदा नहीं हूं, किसी से भी आप बात करें जो भी धंधे का आदमी है वो ये कहता है कि जी 220 से ऊपर नहीं जाना चाहिए मौजूदा हालात में भी डॉलर को, लेकिन जा रहा है। दूसरी बात जो मैं आपको एक उसी पे मैं बस खत्म करना चाह रहा हूं कि अगर आप अफगानिस्तान की गुलामी की जंजीरें जो उन्होंने तोड़ के जो आपने ढोल बजाए थे ना, अमेरिकन्स आर वेरी विशियस पीपल, यानी पर्ल हार्बर कब हुआ था, जापान पे कोई एटम बम बनाने की तुक थी, तो खुदा के लिए उसकी खबर लें। उसमें ये देखिए जो खबर आती है, माशाल्लाह हम सारे बड़े सहाफी बैठते हैं कि जी आर्मी चीफ ने कॉल की, वो खबर ब्रेक होती है इंटरनेशनल मीडिया से, करने वाले हमारे बड़े बहुत एनर्जेटिक जर्नलिस्ट रहे हैं, वो बाथरूम दिखाया था ना शाही वजीर आजम, हाँ, वो टब के अंदर बैठे हमारा बच भाई है एक्शन वाला, उसी के अंदर लाइन है कि 17 जुलाई के बाद ये मैसेज गया कि भाई इन्होंने रहना है नहीं, ये जो वादे वईद कर रहे हैं मिफ्ता एंड कंपनी, ये निभा पाएंगे या नहीं, देयरफॉर जस्टिफिकेशन स्पेस यहाँ बनी। खैर मैं और तुम और क्लोजिंग करने मजर तो हम रिटायर हैं ना रिपोर्टिंग से, माशाल्लाह एक दूसरे को मलामत नहीं कर सकते।